पहला रूल है स्पीक टू द पॉइंट, जरूरत से ज्यादा मत बोलना। आप वहां चिटचैट करने नहीं समझते हो ना, और आपको इंप्रेस, जनरली हम नॉर्मल लाइफ में जब इंप्रेस करने जाते हैं तो ज्यादा बोलते, पर्सनल लाइफ में जब इंप्रेस करने जाते हैं ज्यादा बोलते हैं, यहां उल्टा कर, यहां कम बोलना है, मेजर्ड बोलना है और कॉन्शियसली वर्ड्स को चूज करना। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, कल एक, मैं नाम नहीं दूंगा, कल एक जो कैंडिडेट थे वो एक्सप्लेन ज्यादा कर गई। अब कल हम ग्रीनिंग करने नहीं आए, कल हम समझ गए, पहले हम समझ गए कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं, अब हम क्या आपका इवैल्यूएशन करें, क्या आपको चैलेंज दें, क्या क्या आपको हम ये बताएं, कह रहे भाई प्रिपेरेशन अभी बहुत बाकी है, आपका कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने अवॉइड किया उसको, हमने पकड़ा नहीं। सो स्पीक टू द पॉइंट, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, ओवर एक्सप्लेन करने जाओगे जितना ज्यादा बोलोगे उस आपके उस बोलने पे क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, जनरली हमारा एक्सपीरियंस ये हुआ अब तक, ज्यादा बोलेंगे इंप्रेस करने के लिए ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं। आप ये बताना चाहते हो कि मैं ये भी जानता हूं या ये भी जानती हूं, बट एक्चुअली इट इज नॉट वर्किंग लाइक दैट। You are giving them more opportunities to ask you questions, and you are giving yourself more opportunities to get trapped. Are you understanding? इस ये ज्ञान सुन लेने से नहीं होगा, इसको practically वहां पे करना पड़ेगा, practice करना पड़ेगा इसको। आप समझ रहे हो, एक environment में इस जो mock interviews हैं, इसका basic purpose यही है कि ज्ञान सुन तो लोगे, अवेलेबल है इंटरनेट में, मांगना ही अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, पर ज्ञान सुन लेने से नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इट्स समथिंग लाइक दिस, एन एक्टर हु मग्स अप द डायलॉग्स, एन एक्टर मग्स अप द डायलॉग्स, बट जस्ट मगिंग अप द डायलॉग्स इज इट इनफ, ही हैज टू गो एंड परफॉर्म देयर। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इट इज लाइक दैट।